मिट्टी को जिसने सोना बनाया, मिट्टी को जिसने सोना बनाया, जिंदगी को भी जीना सिखाया, जिंदगी को भी जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, उस गुरु को सत सत नमन, सत सत नमन। प्यारे देशवासियों, प्यारे विद्यार्थियों, मेरे तरफ से सन्नी मैथमेटिक चैनल की तरफ से पूरे भारतवासियों को, पूरे विद्यार्थियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आज शिक्षक दिवस है। हमारे महान विभूति, हमारे महान विभूति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के उपलक्ष्य में, के सम्मान में ये शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो संसार के सभी गुरुओं को समर्पित है, सभी गुरुओं को समर्पित है। शिक्षक दिवस तब तक सफल नहीं हो जाता है जब तक हम अपने जिंदगी में सफल नहीं हो जाते हैं। आज शिक्षक दिवस हम लोग बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, सुबह से 6 बजे से लेकर भूखे प्यासे लगे हुए हैं सफल को करने में, इस प्रोग्राम को सफल करने में। ये प्रोग्राम तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक हम शिक्षा को सम्माहित कर, शिक्षा को ग्रहण कर जीवन में सफल नहीं हो जाते हैं। इस तरह से शिक्षक दिवस हमारे लिए, हमारे गुरुओं के लिए बहुत ही आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्यारे विद्यार्थियों, अब नींद से जागने का समय आ गया है। उठो, बिल्कुल उठ जाओ, जागो, और तब तक जागिए जब तक कि आपको दुनिया नहीं जान जाती है। मैं सच्चे गुरु के समान में, सच्चे गुरु के समान में थोड़ा सा मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। पर्वत से ऊंचा पिता, पर्वत से ऊंचा पिता, और धरा से भारी माँ होती है, इस धरा से भारी माँ होती है, और गोविंद से भी ऊंचा, गोविंद से भी ऊंचा गुरु का स्थान होता है। इसलिए इनका हमेशा सम्मान करिए। अगर जिंदगी में चाहते ऊपर जाना तो इनको हमेशा सम्मान करना सीख लीजिए। मैं थोड़ा सा गुरु के सम्मान में थोड़ा सा और एक बात बोलना चाहता हूँ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लगूं पाँव, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लगूं पाँव, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अब मैं जो भी हमारे शिक्षक हैं उनके सम्मान में गाया हूँ, जो भी हमको आज तक शिक्षा दिए हैं, जो भी मेरे जिंदगी में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है, उनके सम्मान में आज मैं गा रहा हूँ। अब मैं अपने विद्यार्थियों से थोड़ा सा बोलना चाहता हूँ, उसको अगर ग्रहण करते हैं तो जिंदगी में परिवर्तन आ सकता है, बहुत ज़्यादा आ सकता है। मैं थोड़ा सा एक शायरी बोलना चाहता हूँ, हो सकता हो जिंदगी में आपको मोटिवेट कर दे, आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, थोड़ा सा जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, बोला तिनका उठाना पड़ता है। इसी वाणी के साथ मैं अपने वाणी को समाप्त करता हूँ, और इस शिक्षक दिवस के अवसर पर आज प्रण लीजिए कि हमको जब तक लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाए, जब तक आज का सिलेबस पूरा नहीं किया, तब तक सोना नींद चैन भूख सबको त्याग कर देना है बहादुर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।